सजो लेता है, लेकिन पता पल भर का भी नहीं है। इतनी ऊंची ऊंची उसकी सीमाएं होती है कि हम जीवन में लाइफ में ये अचीव कर लेंगे, ये चीज अचीव कर लेंगे, बट पल भर का भरोसा नहीं है कि इंसान अब सही सलामत है और ठोकर लगने के बाद जमीन पे होगा या नहीं। आइए इसी को ध्यान में रखते हुए कवि ने लिखना स्टार्ट किया और बाकी वाला इस भजन के माध्यम से सुनेगा। सतपाल जी खेटावास से 100 रुपए फिर से हमारी टीम को देते हैं और 500 रुपए गौ माता के लिए दान करते हैं, बार बार दान करते हैं। आइए साथियों क्या बताएं। कुछ
जीव काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार के वशीभूत होकर ईश्वर को भूल जाता है, जबकि 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये जीव इस पृथ्वी पर आया है और भगवान से वादा करके आया है कि एक बार इस धरती पर भेज दो, मैं वादा करता हूँ कि तेरा भजन करूंगा। परंतु जगत में आते ही मोह जाल में फंस जाता है और भजन को भूल जाता है। आखिरी बात में बता दिया कि बंदे ये तेरा जो शरीर है जो 5 तत्वों का बना हुआ है ये मिट्टी में मिल जाना है, जीवन की सच्चाई सिर्फ ये है। आइए आखिरी बात के अंदर क्या बता दिया।